हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर सबसे पहली हेडिंग जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करके दिया है। कांग्रेस आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग की जन्मजात विरोधी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। उन्होंने ये बोला कि जिसकी वारंटी खत्म हो गई हो वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए जो भाजपा सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं उनको गिनाया और उन्होंने एक तरीके से चुटकी भी ली खड़गे के उस बयान की जिसमें उन्होंने बोला था कि इस बार भाजपा 400 प्लस सीटें जीत रही है। हालांकि वो उनसे भूल से मुंह से निकल गया था लेकिन उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट किया है और बोला कि मैं उसे आशीर्वाद के तौर पर ले रहा हूँ और उनका आशीर्वाद जरूर सच साबित होगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने और भी बातें बोली हैं, जैसे कि उसने अपने को स्टार्टअप यानी कि अब युवराज को स्टार्टअप बनाया लेकिन खुद की बात यह है कि नॉन स्टार्टर बनकर रह गए हैं वो। कांग्रेस का की जो सोच है वो आउटडेटेड हो गई है और उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्सेस कर दिया है। आज़ादी के बाद भी देश को गुलामी की मानसिकता में गढ़ने वाले जो अंग्रेजों के ज़माने के दंड संहिता थी उसको अभी तक क्यों नहीं बदला गया था? ऐसे सैकड़ों कानून क्यों अभी तक चलते आ रहे थे? ये इसको बदलने का कार्य हमारी गवर्नमेंट ने किया है यानी कि भाजपा गवर्नमेंट ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला। भारतीय संस्कारों को मानने वालों को रूढ़िवादी संकीर्ण सोच का बताया जाता है, अपनी परंपरा को गाली देना कहां तक सही है? कांग्रेस हमेशा ऐसे कहती रहती है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राम, श्री राम और कृष्ण को एक प्रतीक बताया जाता था, सोच बताई जाती थी, जबकि वो मूर्त रूप में है, हर भारतीय के दिल में बसे हुए हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पर कोट किया गया उन्होंने और मोदी ने ये सब बातें राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बोली हैं। और जाति जनगणना के वादे के साथ ओबीसी, दलित और आदिवासी को साधने में जुटी कांग्रेस और राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस आरक्षण की विरोधी रही है। उन्होंने नेहरू द्वारा उस समय मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र का हवाला दिया। पत्र में नेहरू ने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और नौकरियों में आरक्षण को कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी काम के खिलाफ हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे। केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों में ओबीसी, एससी व एसटी की नगण्य भागीदारी के राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें बोली हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस पत्र का जिक्र किया गया कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और नौकरियों में आरक्षण को कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी काम के खिलाफ हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट ये था कि अगर हम आरक्षण देते हैं तो उसमें कुछ अकुशल लोग भी आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नंबर लाकर सेलेक्ट हो रहा है और कुछ कम नंबर लाकर सेलेक्ट हो रहा है तो वो अकुशल ही माना जाएगा। और ऐसे अकुशल को अगर हम बढ़ावा देंगे तो सरकारी तंत्र कमज़ोर होगा और सरकारी तंत्र कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेटर में ये बात भी लिखी गई थी जो यहाँ पर नहीं बताई गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनकी भी भाजपा से डील हो गई है और इन्हें लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और एक मंत्री पद मिल सकता है। देखिए, राष्ट्रीय लोक दल की जो समाजवादी पार्टी से दोस्ती चल रही थी वो अब टूट गई है और दूरियां बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय लोक दल यानी कि रालोद की जो नई दोस्ती है वो भाजपा के साथ होने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क में हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है। अब बताया ये जा रहा है कि जो जयंत चौधरी हैं वो लोकसभा की 4 सीटें मांग रहे हैं, एक राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं और खुद के लिए
केंद्रीय मंत्री पद मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा इस पर तैयार नहीं है। वो यहाँ पर उन्हें 2 लोकसभा सीट देने को तैयार है, हाँ 1 राज्यसभा सीट देने को तैयार है और किसी विभाग का मंत्री बनाने को भी तैयार है। ये बातें अभी तक मीडिया के थ्रू आ रही है। देखिए, भाजपा ने रालोद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए दिया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की ऐसी 2 सीटें देने का प्रस्ताव किया है जो जाट बहुल्य है। बागपत मिलना तय हो गया है, दूसरी सीट बिजनौर या सहारनपुर हो सकती है, तीसरी सीट पर मामला अटका है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी हुई तो तीसरी सीट जो होगा वो संभल या अमरोहा में से कोई एक हो सकता है। केंद्र की सत्ता में आने पर रालोद को 1 कैबिनेट रैंक का मंत्री पद भी देने का वादा किया गया है। जयंत ने भाजपा से सहारनपुर, बागपत, बिजनौर व मथुरा की अपेक्षा की थी। नेक्स्ट न्यूज है कि पांडवों ने मांगे 5 गांव, हमने तो सिर्फ 3 स्थान। योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद मथुरा और काशी का भी एजेंडा सामने रखा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। अखिलेश पर साधा निशाना उनकी पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि परिवारवाद को यहां पर उन्होंने कटाक्ष किया है उस पर। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 स्थल अयोध्या, मथुरा और काशी की बात की है। ये तीनों ईश्वर के अवतरण की धरती है, लेकिन इसमें भी राजनीतिक तड़के और वोट बैंक की प्रवृत्ति ने विवाद खड़ा कर दिया है। योगी ने विधानसभा में बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत अयोध्या के साथ साथ काशी व मथुरा का भी एजेंडा सामने रखा है। योगी ने विपक्ष पर तंज कसा और तब दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा तो महाभारत होना तय था। वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति व आस्था को रौंदने वाले आक्रताओं का महिमा मंडन किया गया, जिससे अब देश स्वीकार नहीं कर रहा है। यानी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो काशी का ज्ञान व्यापी है और कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको लेकर रहेंगे। आपको ये बता दें कि जो ज्ञान व्यापी है उसमें तो पूजा अर्चना स्टार्ट हो गई है, और जो मथुरा का जो शाही ईदगाह है, जो मंदिर मेन मंदिर के जस्ट बगल में है, वो ही पहले कंस का कारागार था जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर उसमें उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई और वहाँ पर नमाज अदा की जाने लगी, लेकिन अब उसे हिंदू पक्ष लेने के लिए कोर्ट में चला गया है, वाद दायर कर दिया गया है और उस पर सुनवाई भी हो रही है। इस न्यूज़ को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आबकारी घोटाले में आपको दोहरा झटका। देखिए, आबकारी घोटाले से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है उसमें अभी तक 6 से 7 संबंध दिए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को और वो पेश नहीं हो रहे थे। उसके बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दे दिया है। एडिशनल मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सम्मन के पालन में ईडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बाध्य थे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। भारतीय दंड संहिता की धारा 174 यानी लोक सेवक के आदेश का पालन न करना के तहत उनके खिलाफ अपराध बनता है। आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 5 सम्मन जारी किए थे। हर सम्मन पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल उनके समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर सम्मन को अवैध और राजनीतिक से प्रेरित बताया था। आरोप लगाया गया कि सम्मन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने व गिरफ्तार करना है। आखिर ईडी ने 4 फरवरी को कोर्ट के समक्ष शिकायत की थी और बुधवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें अब कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, यूसीसी विधेयक पारित। उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को इतिहास रच दिया। 2 दिन में लगभग 10 घंटे चली चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता यानी विधेयक जो है वो ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं।
हालांकि गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली शासन से लागू है। यह पारित विधेयक राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही कानून बन जाएगा। इसमें सभी धर्म समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में समान अधिकार देते हुए सशक्त बनाया गया है। बहुविवाह और बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले विपक्षी दलों कांग्रेस व बसपा की ओर से विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से गिरा दिया गया। देखिए, इसमें पहले से ही चल रहा था, इनके मैनिफेस्टो में भी था भाजपा के, कि अगर उत्तराखंड में हम आते हैं, गवर्नमेंट हमारी बनती है, तो हम यूसीसी को लागू करेंगे, यानी कि नागरिक जो संहिता है उसे हम लागू करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी है और इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा यूसीसी को लेकर, जो उत्तराखंड में लागू हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कर्नाटक का कोई बकाया नहीं, सीतारमण ने दिखाया आंकड़ों का आईना। केंद्र सरकार पर अनुदान और करों की हिस्सेदारी में भेदभाव का जो आरोप कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लगाया है, उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसे अलगाववादी राजनीतिक सोच से प्रेरित दुष्प्रचार बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार को आंकड़ों का आईना भी दिखाया है। सप्रंग कार्यकाल से राजक कार्यकाल की तुलना करते हुए उन्होंने दावा किया कि इन 10 वर्षों में कर्नाटक को कई गुना अधिक अनुदान और टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में पैसा मिला है। केंद्र पर बकाया होने के आरोप को उन्होंने बिल्कुल झूठ बताया है। नई दिल्ली में कर्नाटक सरकार के प्रदर्शन के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य बिंदुओं पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो 14वां वित्त आयोग है, वो 5 वर्षीय कार्यकाल जो था 2015-16 से 2019-20 में, कर्नाटक को टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में 1,51,309 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के शुरुआती 4 वर्षों में 1,29,854 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अंतरिम बजट में 44,485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस तरह 5 वर्षों में कर्नाटक कुल 1,74,339 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से आंकड़े जो हैं उनकी वजह से तो ये पता चल रहा है कि कर्नाटक पर कोई देनदारी बाकी नहीं है, कोई बकाया नहीं है और वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं। संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। फर्जी पहचान पत्र के जरिए गृह मंत्रालय में घुस रहा था एक युवक और आरोपित अयोध्या का रहने वाला है और स्वयं को नीति आयोग का में स्टेनो बताता है। संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद अब नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। सीआईएसएफ ने गत 6 फरवरी को फर्जी पहचान पत्र के जरिए गृह मंत्रालय में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपित आदित्य प्रताप सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या का निवासी है। उसने गृह मंत्रालय के किसी परिचित के पहचान पत्र का रंगीन फोटो कॉपी करवा कर उस पर अपना फोटो चिपका कर पहचान पत्र बना लिया था। दोस्तों को दिखाने के लिए उसने फर्जी पहचान पत्र बनवाया था ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वह गृह मंत्रालय में नौकरी करता है। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे गृह मंत्रालय में घुसते समय सीआईएसएफ कर्मियों ने उसको पकड़ा और संदेह होने पर पुलिस को सौंप दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी सुविधाएं देगी सरकार, केजरीवाल। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में वातानुकूलित इंडोर तरण ताल का किया है उद्घाटन। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सिविल लाइंस स्थित दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में वातानुकूलित इंडोर तरण ताल का उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल का दौरा कर वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। केजरीवाल ने कहा कि वह खेलों को बढ़ावा देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। इस स्कूल में 172 छात्रों को ओलंपिक में शामिल 10 खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बच्चों से कहा कि देश ने आपकी प्रतिभा पर भरोसा किया है, अब आपको पूरी मेहनत व लगन के साथ पदक जीत कर देश का सपना पूरा करना है। देश के शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए डोनेशन दे उद्योगपति,
ये स्टेटमेंट दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को देश के उद्योगपति मोटा डोनेशन देते हैं। भारत में 5 करोड़ डॉलर का डोनेशन दिया जाता है। वक्त आ गया है कि यह डोनेशन भारत के शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाए, खासकर लड़कियों को शिक्षित करने में इसे खर्च किया जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेश में डोनेशन के खिलाफ जो विदेशों में डोनेशन दिया जाता है उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें डोनेशन देने दिए जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि उत्तर दक्षिण का विवाद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। नरेंद्र मोदी: राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव होता है। हिंदुस्तान के किसी कोने में दर्द हो पीड़ा हो सबको, अगर दर्द या पीड़ा होती है तो सबको उसका एहसास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत का विवाद खड़ा करने को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है। उन्होंने देश को एकांकी जो भाव से देखने की जरूरत बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी भाग में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है। देश का एक भी कोना विकास से वंचित रह जाएगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच बंटवारे के नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि झारखंड का एक आदिवासी युवक यदि ओलंपिक में पदक जीतता है तो पूरे देश को गर्व होता है। इसी तरह से कोरोना काल में किसी राज्य के किसी शहर में निर्मित वैक्सीन ने सभी भारतीयों की जान बचाने का काम किया, मगर उस शहर या राज्य ने वैक्सीन पर पहला दावा नहीं किया। कोरोना काल में ही पूर्वी राज्यों में उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन ने पूरे भारत में लाखों जीवन बचाने का काम किया। इसी तरह से हिमालय के राज्य अपने यहाँ से निकलने वाली नदियों के पानी और कोयला उत्पादन राज्य कोयले को सिर्फ अपने यहाँ के लिए उपयोग नहीं करते हैं बल्कि पूरे देश में उसका उपयोग होता है। मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि राज्यों की जरूरत को वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए राज्यों के बीच उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था और इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल करी। आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू होगी GPS आधारित टोल प्रणाली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व देश में सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव आचार संहिता मार्च के पहले सप्ताह में लागू हो जाएगी, यानी कि आगामी मार्च का जो पहला सप्ताह होता है उसमें इलेक्शन की डेट आ जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम संसद को आश्वस्त करना चाहते हैं कि टोल प्रणाली को लेकर दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक सैटेलाइट आधारित प्रणाली जल्द ही शुरू हो जाएगी। टोल नाके हटा दिए जाएंगे, इससे लोगों को रुकने की जरूरत नहीं होगी और नंबर प्लेटों की फोटो से टोल वसूली होगी। यह प्रणाली हाईवे अथवा एक्सप्रेसवे का प्रयोग किए जाने वाले समय के आधार पर शुल्क वसूलेगी। यह शुल्क वाहन चालक के बैंक अकाउंट से स्वतः कट जाएगा। इस दौरान गडकरी ने फास्टैग से वसूली का आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि फास्टैग से 49,000 करोड़ रुपए से अधिक की टोल वसूली हो चुकी है। प्रतिदिन का संग्रह जो है वो 170 से 200 करोड़ रुपए के बीच है। उन्होंने यह भी बताया कि सप्रंग सरकार में शहर से एकदम सटे इलाकों में टोल प्लाजा बना दिए गए और इससे हजारों लोग प्रभावित हैं। देश की जनता का पैसा अगर आप टोल से लेकर ही टोल निर्माण कर रहे हैं तो इसमें सरकार का योगदान कहाँ से है? टोल टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स दिया जाता है। और इसमें जो आप GPS आधारित बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक गाड़ियां का आप टोल तो ले लेंगे लेकिन इसका भार तो व्यक्ति पर ही पड़ेगा ना। या तो फिर अगर आप GPS से टोल टैक्स वसूल रहे हैं तो उसमें और कटौती करिए, जैसे कि कैश जो लेन होती थी उसमें
अगर टोल 130 रुपए दिया जाता था, फिर फास्टैग लाया गया, फास्टैग से ये 130 वाला टोल जो था वो 80 का पड़ने लगा, 80 से 90 रुपए का। अब अगर आप जीपीएस प्रणाली ला रहे हैं तो इस 80 से 90 रुपए पड़ने वाले टोल टैक्स को आप 50 से 60 रुपए करिए, तो इसका फायदा जनता समझेगी। लोकसभा ने अंतरिम बजट को दी मंजूरी। लोकसभा ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट को बुधवार को पारित कर दिया। अंतरिम बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई दर में कमी आ रही है, सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में किसी भी कल्याणकारी योजना के मद में कोई कटौती नहीं की है। सरकार की वित्तीय मजबूती की वजह से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को GDP का 5.1% रखा गया है, जबकि पहले यह लक्ष्य 5.2% था। वहीं देर रात लोकसभा से वित्त विधेयक 2024 भी ध्वनिमत से पारित हो गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जैसे इस न्यूज़ को डिस्कस कर लिया हमने, और बाबा साहब नहीं होते तो शायद SC ST को आरक्षण नहीं मिलता, न्यूज़ को स्किप करेंगे। राहुल गांधी ने स्किप करेंगे। खरगे ने भी बयान दिया कि प्रधानमंत्री के पास अपना बताने को कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं, इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे। नीतीश का स्टेटमेंट है कि अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं उठता है, यहीं रहेंगे, यानी NDA में रहेंगे। और पवार जो गुट था, शरद पवार का गुट, वो अब अजीत पवार हो गया है, अजीत पवार के पास पूरी पार्टी चली गई है। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि घातक असर वाला इजराइल हमास संघर्ष, समूचे पश्चिमी एशिया में लड़ाई फैलाने से ईरान के जो युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा हो गया है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है, और आर्टिकल लिखा है BBC हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा द्वारा। इसमें शर्मा जी ये बता रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, युद्ध को रोकने के लिए एक और प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि जो इस प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिखाई देते हैं। इस लड़ाई को छिड़े हुए करीब 4 महीने पूरे हो गए हैं और इसमें 27,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद यह लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन हमलों के रूप में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जॉर्डन समेत आसपास के 10 देशों में फैल चुकी है। यमन के ईरान समर्थक हाउती आतंकियों के हमलों से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर काटकर यूरोप, अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में यह चुनावी वर्ष है और यूरोप में चल रही यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पा रहा है। ऐसे समय में अमेरिका ऐसे किसी और लड़ाई में नहीं उलझना चाहता है। अमेरिका के साथ साथ मिस्र की दिलचस्पी युद्ध विराम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्वेज नहर उसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है, और लाल सागर का व्यापार ठप होने से स्वेज नहर से होने वाली आमदनी कम हो गई है। इसलिए हमास नेता इस्माइल हानिया ने पिछले दिनों काहिरा जाकर नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर 2 दिनों तक विचार किया। इस वक्त इस सौदे में 2 बड़ी अड़चनें हैं। हानिया की मंशा है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के बाद इसराइल गाजा से हट जाए और अंतर्राष्ट्रीय सेना की देख रेख में फिलिस्तीन के राजनीतिक समाधान की बातचीत शुरू हो। नेतन्याहू इस पर अड़े हैं कि वह गाजा में हमास की हस्ती मिटाए बिना वहां से नहीं हटेंगे। संभव है कि दबाव में आकर नेतन्याहू और हानिया थोड़े दिनों के लिए कोई सौदा कर लें, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा। नेतन्याहू का गठबंधन ऐसे कट्टरपंथी जायनिस्ट दलों के समर्थन पर टिका है जो जॉर्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन पर यहूदियों का दैविक अधिकार मानते हैं, जबकि हमास जॉर्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन को फिलिस्तीनी और इसराइल को उस पर कब्जा करके बैठा देश मानता है। स्थायी युद्ध विराम होते ही इसराइल में चुनाव की मांग उठेगी, जिसमें नेतन्याहू का हारना लगभग तय है, क्योंकि जनमत उनके खिलाफ है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो नेतन्याहू गाजा से हमास की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमास का राजनीतिक अस्तित्व उसी तरह समाप्त हो जाएगा जैसे सीरिया से इस्लामिक स्टेट का हुआ था। इसराइल हमास युद्ध एक नाजुक दोराहे पर है, ये बात सच है, और एक रास्ता बंधकों के बदलते लंबे युद्ध विराम की ओर जाता है। इसका प्रयोग अमेरिका और अरब देश मिलकर सुलह की ऐसी रूपरेखा तैयार करने में कर सकते हैं जिसके सहारे
अरब या अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में गाजा और पश्चिमी किनारे पर नया फिलिस्तीनी शासन कायम हो सके। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि अमेरिका चाहता तो मतलब इस युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन अब जैसे रूस और यूक्रेन वाला युद्ध उसका एग्जांपल हम लोग लिया जाए तो अमेरिका हमेशा से यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा है, उसके साथ ही नाटो संगठन भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अगर चाहते तो यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो गया होता, क्योंकि रूस नाटो में नहीं चाहता था कि यूक्रेन शामिल हो, और अमेरिका ने ब्रिटेन ने उकसा उकसा कर यूक्रेन को राजी किया कि आप नाटो में आ जाइए, आपको सपोर्ट मिलेगा, रूस का जो दबदबा आपके देश में है वो थोड़ा सा कम होगा, हस्तक्षेप जो रूस का है वो आपके देश में कम होगा। ये भनक व्लादिमीर पुतिन को लगी और वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर आदेश मतलब बोल दिया था कि अगर यूक्रेन नाटो पर गठबंधन में हस्ताक्षर करता है तो रूस उस पर हमला कर देगा, और बस सिग्नेचर होने जा ही रहा था उससे पहले ही रूस ने उस पर हमला कर दिया। अगर सिग्नेचर हो गया होता तो यूक्रेन नाटो का सदस्य देश माना जाता, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है, तो बाकी जो टोटल 30 देश हैं, 29 देश और यूरोपियन यूनियन, वो यूक्रेन को सपोर्ट करते और रूस से युद्ध करते। लेकिन सिग्नेचर हुआ नहीं, इसलिए बाकी देश अब यूक्रेन के साथ आ नहीं सकते थे, तो इसमें यूक्रेन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता चला गया। फिर इसमें ब्रिटेन ने भी इसमें डॉलर मतलब हथियारों से मदद करी, अमेरिका ने भी सैन्य मदद दी है, हथियारों की सप्लाई की हुई है, फंडिंग कर रहा है, इसलिए रूस और एग्रेसिव है कि यूक्रेन को सबक सिखा कर रहेंगे। अब वही हाल इसराइल और हमास युद्ध का भी हो गया है। फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने को लेकर बातचीत की जा रही है, यानी कि द्विराष्ट्रीय जो समझौता है वो करने की भारत के द्वारा भी पेशकश की गई है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो अक्टूबर में हमास द्वारा हमला किया गया था उसका वो जवाब देंगे, और एक तरीके से हमास को, गाजा पट्टी को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। और युद्ध चल रहा है और ये युद्ध जो है अभी लगभग लंबा चलेगा, और यूक्रेन और रूस युद्ध तो एक साल से ऊपर हो गया, यानी इस फरवरी में एक साल हो गया उस युद्ध को। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं कि विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम। इसमें बताया गया कि इस्लामी हमलावरों के रक्त रंजिस इतिहास के बावजूद वामपंथी इतिहासकार हमेशा उनकी महिमा मंडन ही करते रहे, और इसीलिए इतिहास जो है वो दुष्परिणाम जाहिर कर रहा है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हरेंद्र प्रताप द्वारा। अयोध्या में श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन दिनों पूरा देश राममय है, और इन्हीं प्रभु श्री राम की को काल्पनिक बताकर नकारने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने क्या क्या तिक्रम नहीं किए थे। हिंदुओं के आराध्य देवों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने के लिए कई पुस्तकें तक लिख डाली, जो दुर्भाग्य से बाद में हमारे स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम का हिस्सा तक बन गई। प्राचीन भारत में विज्ञान और सभ्यता नामक पुस्तक में प्रभु श्री राम के बारे में वामपंथी इतिहासकार R.S. शर्मा ने लिखा कि पुराणों की परंपरा के आधार पर श्री राम का जन्म अयोध्या में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, पर खुदाई से यह सामने आया है कि उस समय वहां मानव की कोई बस्ती थी ही नहीं। R.S. शर्मा ने अपने इसी तर्क के आधार पर अपनी पुस्तक में प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र घोषित कर दिया। आजाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ पढ़ाया जाता रहा वे सब पुस्तकें वामपंथियों ने ही लिखी थी। पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर और अब वाराणसी में ज्ञान व्यापी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे में वहां प्राचीन काल में भव्य मंदिर होने के प्रमाण सामने आ रहे हैं। इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा और जो बल लगाकर उसे परिवर्तित कर दिया। इस पर वामपंथियों ने उनकी महिमा मंडन किया। उनके द्वारा तोड़े गए आस्था के केंद्रों का भी आरोप वामपंथियों ने साजिशन हिंदुओं पर ही लगा दिया। सतीश चंद्रा ने मध्यकालीन भारत में लिखा है कि हिंदुओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को न केवल तोड़ा बल्कि उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया। सतीश चंद्र वही हैं जो हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं UPSC के लिए, उन्हीं की बुक की यहाँ बात हो रही है। सतीश चंद्रा ने के अनुयायी आंखें खोल कर देख लें कि न्यायालय में आज हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले वकील पिता पुत्र हरिशंकर और विष्णु जैन
हैं, आरएस शर्मा, सतीश चंद्रा, रोमिया थापर, विपिन चंद्रा और इरफान हबीब द्वारा लिखी पुस्तकें माध्यमिक से लेकर उच्च स्तर तक पढ़ाई जाती हैं। इनकी पुस्तकों को पढ़कर तैयार हुई पीढ़ियां इस देश और इसकी सच्चाई को नकारने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। इसका जीवंत उदाहरण वामपंथी हैं। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में पुरातत्व सर्वेक्षण का मामला न्यायपालिका के तहत विचाराधीन है, लेकिन इसे न्यायालय में लटकाने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें मुगलों से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर जब भी मुगलों के काले कारनामों पर से पर्दा उठता है तो उनके बचाव में सामने आ जाते हैं। इबादत गाह को तो बदला जा सकता है, पर पूजा स्थल को नहीं। न्यायालय में जाकर सच्चाई को सामने लाने के लिए हिंदू सर्वे या खुदाई की मांग कर रहे हैं। समय का तकाजा है कि हिंदुओं के प्रमुख पूजा स्थलों को वापस किया जाए। यह समय की मांग है और मुगलों की बर्बरता पर से पर्दा उठता है तो उससे बाधाएं न डाली जाएं। सच सामने आना ही चाहिए। इसके साथ ही सरकार और देश का प्रबुद्ध वर्ग आगे आकर वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटाने की पहल करे, तभी भारत अपने मूल स्वभाव के साथ आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर चर्चा नहीं। देखिए, चालू वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ का लाभ कमाने वाली कंपनियां अब कर रही घाटे में डीजल बेचने की बात। गोवा के बेतूल में स्थित ONGC के कैंपस में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक में दुनिया के 120 देशों के प्रतिनिधि व ऊर्जा सेक्टर के विशेषज्ञ आए हुए हैं। यहां ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। यह विषय है पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों में सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों को हुए भारी मुनाफे यानी कि 69,000 करोड़ रुपए के बावजूद उनकी तरफ से आम जनता को राहत देने की कोई बात नहीं की जा रही है। कुछ हफ्ते पहले तक पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा कमाने वाली इन तीनों कंपनियों का कहना है कि उन्हें अब डीजल बिक्री में घाटा हो रहा है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों के सस्ता होने की संभावना से जुड़े सवाल पर सरकार तेल कंपनियों के अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि यह एक तार्किक सवाल है, लेकिन इसका जवाब तेल कंपनियां उचित समय पर देंगी। सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं करती है। उनका कहना है कि हाल में तेल कंपनियों को जो मुनाफा हुआ है वह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे भी वैश्विक हालात बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं, जिसकी वजह से कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा। 20 लाख भारतीयों को AI में प्रशिक्षित करेगी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने बुधवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में नियमन बनाने के लिए भारत और अमेरिका को एक दूसरे के सहयोग करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नए जमाने की यह तकनीक विकास को समान रूप से वितरित कर सकती है। 2 दिवसीय दौरे पर आए भारत आए नडेला ने कंपनी के कार्यक्रम में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट 2025 तक 20 लाख भारतीयों को AI में प्रशिक्षित करेगी। नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में निवेश जारी रखेगा। AI को एक शक्तिशाली तकनीक बताते हुए नडेला ने कहा कि इसको लेकर बहुपक्षीय स्तरों पर आम सहमति आवश्यक है। कंपनी के एक कार्यक्रम में नडेला ने यह भी बोला कि मुझे लगता है कि विशेष रूप से भारत और अमेरिका के लिए जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तेल की मांग में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। आर्थिक विकास दर के मामले में चीन से आगे चल रहा भारत कच्चे तेल की मांग में उसे पीछे छोड़ देगा, यानी चीन को पीछे छोड़ देगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 20 से 30 वर्षों के दौरान दुनिया में कच्चे तेल की अतिरिक्त मांग में भारत की 25% हिस्सेदारी होगी। भारत सरकार जिस तरह से आर्थिक विकास दर की रफ्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश में है, उससे यहां पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और बढ़ सकती है। बुधवार को इंडिया एनर्जी वीक में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। पेटीएम मामले से निपटना RBI का काम, जोशी। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को कहा कि पेटीएम मुद्दे से निपटना RBI का काम है। सरकार का फिलहाल इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जोशी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक छोटी वित्तीय इकाई है और इसमें कोई जो प्रणालीगत स्थिरता संबंधी चिंता नहीं है। नियमों का पालन न करने समेत विभिन्न जो चिंताओं के चलते RBI ने
PPBL यानी कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है को 29 फरवरी के किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे 12.85 करोड़ मतदाता आज चुनेंगे नई सरकार, यानी यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान जो है वो अब आतंकी घटनाओं के बीच गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए करीब 12 यानी लगभग 13 करोड़ लोग मतदान इसमें करेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए देश भर में करीब 6.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को उतारा गया है। माना जाता है कि सबसे आगे चल रहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शक्तिशाली सेना का समर्थन प्राप्त है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में होने के कारण शरीफ की पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद है। आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली जो PMLN है उसके चुनाव जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। जल्द ही मालदीप में एक भी विदेशी सैनिक नहीं होगा। मालदीप की सैन्य शक्ति बढ़ाने का संकल्प जताते हुए वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि जल्द ही हम उस स्थिति में होंगे जिसमें कोई भी विदेशी सैनिक देश में मौजूद नहीं होगा। भारतीय सेना का उल्लेख किए बिना मुइज्जू ने यह बात मालदीप में मौजूद 88 भारतीय सैनिकों की ओर संकेत करते हुए कहा है। ये सैनिक मालदीप को उड्डयन क्षेत्र में सहयोग देने के लिए मालदीप में हैं। चीन की ओर झुकाव वाले मुइज्जू भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने का वादा करके चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने हैं। इसके चलते वह पहले दिन से ही भारतीय सैनिकों को मालदीप से वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत के साथ उनकी वार्ता चल रही है और सैनिकों की वापसी पर सहमति भी बनी है। युद्ध तो लगातार जारी है, उस न्यूज़ को हम स्किप करेंगे। और टेस्ट में शीर्ष गेंदबाज बनकर बुमराह ने इतिहास रच दिया है। 11 महीने से शीर्ष पर रहे अश्विन को पीछे छोड़ा है। लाल गेंद के प्रारूप में नंबर एक बनने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। पंत को IPL के पूरे सत्र में खेलने का भरोसा। रिकी पॉन्टिंग यानी IPL जो मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आज का 8 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।